गुजरात की एक बिटिया जिसने 5 साल की उम्र में पिता को खो दिया, परिवार की जिम्मेदारी माँ पर थी तो उसने 4th कक्षा तक पढ़कर स्कूल छोड़ दी और लोगों के घरों में पानी भरने का काम करने लगी। इससे कुछ पैसे मिल जाते और माँ की मदद हो जाती। अपने खाली समय में वो लड़की बुनाई कढ़ाई का काम सीखती। इसी दौरान वो एक संस्था के साथ जुड़ गई और इस कला में महारत हासिल करती गई। लेकिन इसी बीच उसकी शादी हो गई। शादी में कुछ विदेशी मेहमान भी आए और इन मेहमानों को उसने अपने हाथ से बनाए बैग भेंट किए। विदेशियों ने उसके बैग की तारीफ की और उस बैग को नाम दिया पाबी बैग। विदेशियों की तारीफ के बाद ससुराल वालों ने भी उसका साथ दिया और उस महिला ने खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा pabibend.com। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ना सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में पाबी बैग की मांग है और तो और बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस बैग का यूज किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाबी बैंड रबारी की, जिन्हें साल 2016 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया।